हेलो दोस्तों दोस्तों, आपको एक चीज़ आज मैं बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताया होगा कि हमारे प्लांट में जो भी हम गमले में प्लांट लगाए हैं वो बर्मी कंपोस्ट उसमें उसकी मिट्टियों मिट्टी में बर्मी कंपोस्ट अपने आप कैसे तैयार हो। पहले मैं ये बता दूं कि बर्मी कंपोस्ट जो होता है वो केचुए बनाते हैं, उसको केचुओं के माध्यम से बर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। यदि हमारे गमलों में मिट्टियाँ जो है हमारी या हमारी ज़मीन में जो सब्जियाँ लगी हैं उसमें बर्मी कंपोस्ट अपने आप बने तो सबसे अच्छा रहता है दोस्तों। उपज बहुत बढ़ जाती है और फल बहुत आते हैं, फूल बहुत आते हैं, तो ऐसे में हमें ऐसा क्या करें कि हमारे मिट्टी में केचुए पैदा हो जाए। जब केचुए पैदा हो जाते हैं तो उसमें अपने आप वो उसमें खाद बर्मी कंपोस्ट बनाते रहेंगे और आपके सब्जियों में कोई भी फूल है सब्जी है उसमें बहुत सारा फल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आज यही है आपको बताना है कि ऐसा कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें कि हमारे पौधों में केचुए पैदा हो जाएं। तो उसके लिए हम आपको शुरुआत करते हैं, जैसे हमारा ये टमाटर का पेड़ देखा है आपने, जैसे हमारे ये सब चाय पत्ती है, हमारी भिंडियाँ लगी हुई हैं, सब आप देख रहे हैं फूल आए हुए हैं ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गुड़ाई कर दो, हल्की गुड़ाई करना, टमाटर फले हुए हैं तो गुड़ाई कर दो हल्की, क्योंकि इसमें फाइबर सूट होता है टमाटर में। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से हमने गुड़ाई कर दिया है इसकी। अब इसके बाद इसमें हमें तो दोस्तों आज हम आपको यही बताएंगे कि इसमें हम चाय की पत्ती, हमारे किचन में जो चाय की पत्ती निकलती है, जो हम चाय यूज करने के बाद उसे जो धो देते हैं वो फेंक देते हैं, फेंकने के बाद वो कचरे में चला जाता है। हमें करना क्या है कि हम चाय की पत्ती इस्तेमाल करने के बाद धो लें, सुखवा लें दो तीन दिन, उसमें शक्कर अदरक सब चला जाए, निकाल दें, उसके बाद उसे सुखवा के रख लीजिए एक बोतल में। जैसे मैंने अभी एक सुखवाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ जो मैं आज इसमें यूज करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं ये हमारी चाय पत्ती है, देख रहे हैं आप, एक मुट्ठी ऐसे इसके अंदर डालिए। बहुत घना है ना, आपको मेरा हाथ नहीं दिखता होगा, उसके बाद इसे हाथ से मिला दीजिए इसको अच्छी तरह से, क्योंकि इसके नीचे जगह है नहीं, टमाटर का पेड़ है तो ये ज़रा इसको संभालना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार हम इस पेड़ में भी मिला देंगे कि हमारे पास अभी चाय पत्ती है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, ऐसा अगर आप रेगुलर करेंगे तो हमारे इसी मिट्टी में केचुए पैदा हो जाते हैं। जब केचुए पैदा हो जाते हैं तो खुद ही वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे और फिर आपका पौधा बहुत अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। देखिए हम कभी कभी इस्तेमाल करते रहते हैं कि चाय की पत्ती जमा करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो देखिए हमारा नींबू कैसा है, फल भी लगा था अभी तोड़ दिया, अभी एक फल होगा इसमें। देखो तो अब चाय पत्ती बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग इस्तेमाल ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों।